नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 10T 5G वर्सेस Samsung Galaxy A73 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Mi 10T 5G में 6.5 इंच जबकि Galaxy A73 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Mi 10T 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Mi 10T 5G में 3.01 इंच जबकि Galaxy A73 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Mi 10T 5G में 0.37 इंच जबकि Galaxy A73 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Mi 10T 5G में 216 ग्राम्स जबकि Galaxy A73 5G में 181 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Mi 10T 5G में IPS LCD जबकि Galaxy A73 5G में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mi 10T 5G में 6.67 इंचेस जबकि Galaxy A73 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Mi 10T 5G में 85.15% जबकि Galaxy A73 5G में 87% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Mi 10T 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A73 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 10T 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A73 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 10T 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A73 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 10T 5G में Adreno 650 जबकि Galaxy A73 5G में Adreno 642 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 10T 5G में Qualcomm Snapdragon 865 और Galaxy A73 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो Mi 10T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy A73 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Mi 10T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy A73 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Mi 10T 5G में नहीं है जबकि Galaxy A73 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Mi 10T 5G में Android V10 Q जबकि Galaxy A73 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
MI10T 5G में दो कलर्स जबकि Galaxy A73 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो MI10T 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹28,960, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹34,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy A73 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹44,990, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹44,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi MI10T 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A73 5G की तो उसमें 7 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy A73 5G आगे है, मेन कैमरा में Galaxy A73 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में MI10T 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 Pro है, दूसरा OnePlus 9 Pro है, तीसरा Vivo V21e 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11 Lite है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।